यार हमारे जो फिंचे थे ना दोस्तों, उसकी वो देखें, वो जो पार्टनर थी ना, जो एक मरी है उसका वो बैठा हुआ पार्टनर पीछे, वो देखें ये कहाँ गया। एक तो यार एक जैसे लगते हैं बिल्कुल, वो रहा ऊपर, ये ऊपर ही जो बैठा हुआ है। तो ये अकेला रह गया यार बेचारा, तीनों घरों में अकेला रह गया ये बेचारा। क्या है, तुम क्यों पागल हो जाते हो? कैमरा देखते ही हैं ओवर एक्टिंग करता है दोस्तों। ये हमारे जो मिट्टू है ना लैला, वो सॉरी मजनू, ये देखें ओवर एक्टिंग चेक करिएगा। ये दम मार, फिर से मार, फिर से मार। हाँ सर फोड़ लो अपना, ये देखें इसकी हरकतें। सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार मैं अभी फिंचेस को देख रहा था दोस्तों, कि हमारी जो फिंच थी वो कैसी होया करती थी। माशाल्लाह कितना हरा भरा होता था यार। तो एक बस बहुत प्यारा था, लेकिन मैं सोचा था इनके अंडे आएंगे कुछ आएंगे, पर भाई इनको नेस दिया था हमने, इन्होंने नेस फेंक दिया था, सारा नेस फेंक दिया था। और उसके बाद फिर पता नहीं इनका अंडे देने का हुआ नहीं हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ फिर नेस डालूँ ला के, तो कुछ हमारे को आसरा हो कि शायद ये दे दें यार वापसी। बस क्या कर सकते हैं, चलें ऊपर चलते हैं सेटअप पे। तो भाई हमजा को सेटअप पे छोड़ दिया था मैंने, हमजा ने शायद आज ये हटाया नहीं है। ये क्यों नहीं हटाया? वैसे ही रखा हुआ, अंधेरा रहता है। और ये भी नहीं हटाया तुमने, तो ये भी हटाते हैं यार। मैं हटाता हूँ, मैं पहले दोस्तों सही कर लूँ सेटअप को। फिर हमजा ने शायद अभी तक खाना भी नहीं डाला ना, डाल दिया इन लोगों को, इसको डाल दिया है और कंधारियों को डाल दिया है, सील को डाल दिया है, बाकी रहते हैं। चले यार पहले मैं सेटअप को सेट करूँ, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चले भाई दोस्तों, खोल दिया मैंने वहाँ का भी और यहाँ का भी, हटा दिया। अब थोड़ा खुला खुला लगता है, थोड़ी रोशनी होती है ना, अच्छा लगता है। खैर बाकी यार मैंने आप लोगों को नीचे फिंच दिखाई, तो फिंच में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी है किसी ने? हाँ या ना तो मुझे लाजमी नोटिस की होगी वैसे मेरे हिसाब से तो, कि हमारी जो गोल्डन फिंच है वो नहीं है अंदर। दोस्तों गोल्डन फिंच कहाँ है? उड़ गई, सेल कर दी हमने, या फिर मर गई, क्या हुआ? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, तीनों में से एक काम हुआ है कि हमने सेल आउट कर दी। वो उसको सेल आउट हुए भी ना कितना टाइम हो गया हमजा? डेढ़ दो महीने है ना, डेढ़ महीना हो गया तकरीबन। डेढ़ या एक महीना हुआ है, एक महीने के ऊपर हुआ है ज़्यादा दादा। तो एक महीने से दोस्तों ज़्यादा दादा ऊपर हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ टाइम, एक महीने से ऊपर हुआ है बस, नॉर्मल टाइम। और वो बस वो बिकी क्यों? बहुत वजहत ये थी, जब हमारे चैनल पे थोड़ा सा ये मसले खड़े हो रहे थे ना, तो उस टाइम में वो बिकी थी, तो काफ़ी परेशानी चल रही थी, हम परेशान थे। और उसी टाइम वो आया बंदा जिसको लेनी थी, और उसने हमने देर कहाँ की है, सुबह बात हुई है, रात में ले गया है ना। बस वो सुबह आया था और रात में ले गया था, मेल तो फीमेल उसके पास थी ना, वो फीमेल दे रहा था, फीमेल हमारे पास, सॉरी फीमेल हमारे पास थी, मेल वो नहीं दे रहा था। उसके पास दोस्तों फीमेल थी, मेल हमें दे नहीं रहा था, और बाकी ओ हमारे पास फीमेल थी वो मेल नहीं दे रहा था। तो इस वजह से ना हमारे साथ बहुत मसले खड़े हो रहे थे उस फिंच के। तो हमने बोला यार वैसे भी वो पड़ी 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 हमारे पास काफ़ी टाइम हो गया था, और ना ये ज़्यादातर इनको मतलब जाहिर सी बात है यार, एक चीज़ रखते हैं उसको पार्टनर की ज़रूरत होती है, अगर ना हो तो बेकार होने लगती है फिर, आप क्या यूज़लेस पड़ी हुई है। तो इस वजह से हमने बोला यार अभी फ़ायदा नहीं, अभी सेल आउट कर देते हैं, आगे इंशाल्लाह जैसे कुछ बढ़ेगा तो हम लाजमी लेकर आ जाएंगे। तो बस ये थी छोटी सी कहानी हमारी गोल्डन फिंच। तो यार हम जो है अपने रैबिट्स के सेटअप को भी खोल देते हैं दोस्तों, ये कुछ छिलके पड़े हैं ये मैं अंदर डाल दूंगा। चलो निकलो, कुछ चली गई बाहर, इतनी देर से इंतज़ार में कि मैं इसको कुछ खाना डालूंगा, ये इतनी देर से बैठे हुए दोस्तों यहाँ पे कि मैं डालता हूँ ना थोड़े बहुत, लेकिन यार छिलके कम है, तो मैंने बोला पहले बच्चों को डाल दूँ ये, ताकि बच्चे खा लें यार, उनका पेट भर जाता है। ये तो खा ही लेते हैं कहीं ना कहीं घुस घुस आ गया, पर बच्चे हैं ना वो मुर्गों की वजह से बेचारे जा नहीं पाते हैं। आ जाओ भाई, ये देखें आप खुद आ जाते हैं बाहर, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, जल्दी जल्दी, हाँ क्यूट, क्या चाहिए क्या चाहिए, अंदर है, चलो जाओ तुम भी अंदर जाओ। हाँ माशाल्लाह यार। तो यार कल हमने जो है दोस्तों अंडे रखे थे अपने वाइट वालों के नीचे, और हमने देखे ढका हुआ ये उन्हें, और अभी तक मैंने देखा नहीं है क्या सीन सब आज चल रहे। तो भाई ये यहाँ है और वो वहाँ, हमें मैं तुम्हारे को गारंटी दूँ ये अंडे है ना ख़राब करेंगे, देख लेंगे, खड़ा हुआ है अंडों की तरफ, खुद देखो भले आगे, खुद आगे देखो, दाना तो नहीं, नहीं नहीं बैठा हुआ है अकलमंद, ये बैठा हुआ है, ओ, ये रहा है। क्या पूरा तो अंडा दिख रहा है, तुमने इनको दाना नहीं डाला वैसे? बताओ तो सही, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ भाई साहब, बोल नहीं रहे कि दाना नहीं डाला। चलो मैं दाना डाल रहा हूँ उनको, बस पहले दोस्तों दाना डाले उन्हें, डाल भाई रैबिट का थोड़ा फैला के डालना, ये हटा लेना यार अंदर ये। तो यार काले आले को दोस्तों हमने अंदर डाला हुआ और वो मांग रहे हैं खाना, ये लो भाई जाओ खा लो। और अभी एक और चीज, ये जो दो है ना हमारे, कहाँ है अबे ये,
किसका रखी आज आज कहाँ से आए हो हैं दोस्तों? पता नहीं आप लोग पहचाने हो ना पहचाने हो। आ जाओ अंदर, जरा उतारो इसको। पहचाने किसका है? हार इसका है दोस्तों, हमारे दोस्त का है। नहीं काट रहा, नहीं काट रहा, उतारो, पकड़ लो, पकड़ लो, उतार लो, नहीं काटेगा। ये देखें, ये वो कराची का है ना, तो छोड़ के चले गए, ये बाहर निकल जाता है खुद ही। तो दोस्तों ये बाहर निकल जाता है और खाना पीना खुद ही करता रहता है। तो पता नहीं कैसे, मतलब वो बस उसको भी नहीं पता होगा, हारिस को कराची में बेचारा। खैर इसको देख के रखना थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा जंगली टाइप का हुआ है, बाहर जो निकल रहा है। काट नहीं रहा, पर थोड़ा पाँव वाँव मार रहा। देखा देखा देखा, देख के पकड़ो ना। हाँ ये कहाँ ले आ रहे हो, दिखाने? नहीं नहीं, इधर ही ले आना, ऊपर से चले जाएगा खुद ही। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे जाएगा। फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा, ये फर्स्ट टाइम ही हमारे घर पे खुद ही मिलने आ गए भाई साहब। गए भाई, आ जाओ। हाँ आ गया, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, चलो जाओ। देखते हैं कहाँ जाता है दोस्तों ये, इधर से जाओ। चलो छोड़ दिया हमने, चलो जाओ। ये देखो गए नीचे। बताया तुम्हारे को इनकी कीमत क्या है यार? खरे से खरा ये 15,000 रुपए का आराम से आएगा, 15 से 20। ये तो इसकी अभी कंडीशन ऐसी रफ की हुई है यार। वो असल में बता, आप वो बता रहे थे कि हम छोड़ गए गए नीदे। वो जगह दिख रही है उनके घर के ऊपर वाली, दोस्त व्हाइट वाला गेट, इसके ऊपर देखें ये रही जगह, ये ऊपर। तो हारिस यही बता रहा था कि बाहर निकल जाता है खुद ही, और फिर पूरा घूम घुमा कर आता है, पूरा मोहल्ला घूमता, पूरा मोहल्ला तकरीबन इसको जानता है हमारा। तो अभी देखा आपने, इधर आ गया। अभी हो सकता है अगर इसको रात में जगह पसंद आ जाए तो ये यहाँ पे आके बैठने लग जाए महसूस ज़्यादा। और एक और चीज़, इसके बच्चे भी निकले थे जो मैंने बोले थे उसको हारिस से लेने के लिए, किसी को देना थे, पर वो फिर वो पार्टी ने मना कर दिया था कि यार हमें नहीं चाहिए। तो इस वजह से फिर उसी के पास है, वो बड़े हो गए माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े बच्चे मैंने आप लोगों को दिखाने थे, पर कुछ वजूहत की वजह से वो चीज़ें टल गई। तो खैर बिल्ला कैसा था ये लाजमी बताना कमेंट में। बहुत प्यारा है वैसे, बहुत ज़्यादा यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर हम रख नहीं सकते बहुत ज़रूरी वजह। मैं पहले बहुत पहले बता चुका हूँ शुरू के ब्लॉग में क्या वजह थी। तो यार कशान आ गया दोस्तों, ये देखें, और इसने हमारी नाक में दम करा हुआ। क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या है, हैं, क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या चाहिए? ये देखें, ये मसला है इसको दोस्तों, ये देखें। उड़े उड़े उड़े, छोड़ो कशान, काट लेगी वो। ये तो हमने शुक्र करो वो नहीं है, अगर वो खुला हुआ हो ना दूसरे वाला तो दोस्तों वो बताएगा इसको क्या हूँ मैं। ये देखें हरकतें, पाले 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 पाले, काट लेंगे तुम्हारे, काटेंगे तो सही रहोगे तुम कशान। ये देखें उसके समझ नहीं आ रहा दोस्तों, ये देखें, ये हमने इसकी लगवाएं थोड़ी सी कुट्टी लगवाएं इसकी। ये देखें वो वहाँ जा रहा बेचारा हीरा, वो देखें अब उसको पकड़ रहा। ये आया फिर ये देखें हीरा का नाक में दम करके रख दिया बेचारे हमारे। ये वो आगे आगे पीछे पीछे, कशान तुमने ना सारे जानवर परिंदों के ना हमारे दोस्तों दिमाग आधा कर दिया बेचारों का, जितने हमारे जानवर पहनते ना सबका इस, सिर्फ इसने ये बंदे ने। चलो हीरा जाओ खाना खाओ, हमारा हीरा बेचारा परेशान हो गया, खाना नहीं खा पा रहा इसकी वजह से, कशान की वजह से। ये देखें फिर वहाँ चलो गया भाई गया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल गर्मी चौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। और एक और चीज़ भाई, आखिर में मैं हर व्लॉग में बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल के लिए प्लीज़ दुआ कीजिए कि जल्द सेट हो जाए मेरा चैनल।